माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है, और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित है, और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी, और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज अ सांसद भी
हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करते के पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, ये आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में, मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा, तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी।